तोड़ करके लाखों का सामान चोरी किया गया। रियल एस्टेट कारोबारी के घर पे लाखों की चोरी हुई है। लगभग 80 से 90 लाख रुपए की चोरी हुई है। तो इंदिरा नगर के सेक्टर 13 अरविंदो चौकी का ये पूरा मामला है, जहां पर कारोबारी के घर को निशाना बनाया गया है। 80 से 90 लाख की चोरी यहां पर की गई। घर का ताला तोड़ करके लाखों का सामान चोरी किया गया। रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर ये चोरी की गई है। तो लगभग 80 से 90 लाख रुपए की चोरी यहां पर चोरों ने की है। अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और क्या इन चोरों की पहचान हो पाई है? अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हमारी आवाज अनूप तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, यहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है, कारोबारी के घर को निशाना बनाया गया। एक बार फिर से अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, यहां पर एक कारोबारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। कम से कम 80 से 90 लाख रुपए की चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया। तो रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर ताला तोड़ करके यहां पर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। 80 से 90 लाख रुपए चोरी यहां पर किए गए। इंदिरा नगर के सेक्टर 13 अरविंदो चौकी का यह पूरा मामला है, जहां पर घर का ताला तोड़ करके लाखों का सामान चोरी किया गया है। तो आप बता दें कि रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर यह चोरी की गई। लगभग 80 से 90 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। इंदिरा नगर के सेक्टर 13 अरविंदो चौकी का यह पूरा मामला, जहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है और घर का ताला तोड़ करके चोरी की है। अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? ठीक है मनीष, बिल्कुल। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के 13 सेक्टर 13 का यह मामला है, जहां पर अरविंदो जी चौकी है, वही करीब में ही है। वहीं पर रियल एस्टेट कारोबारी है सतीश सिंह, जो अपने परिवार साथ रहते हैं जी। बीती है जो है, चोरों ने जो है इस घर पे जो इनके लिए जो है धावा बोला है और घर में जो है सेनमारी करके लाखों नकदी पैसे लेकर फरार हुए हैं। मामले में पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। और लेकिन जिस तरह से चोरी की बड़ी घटना हुई है, क्योंकि 80 से 90 लाख बताया जा रहा है कि कैश और जो नकदी है वो जो है चोर लेकर फरार हुए हैं। अब कौन चोर है और किस तरह कैसे जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस पूरे मामले की जांच में चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो है चौकी के करीब में ये मकान बना हुआ है, जहाँ पे सतीश सिंह रहते हैं और चोर आए और वो इस तरह से सेनमारी करके जो है चोरी करके जो है फरार हो गए और पुलिस को पता भी नहीं चला। बराबर पूरे मामले में पुलिस जो है टीमें लगातार जुटी हुई हैं और काम कर रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द चोर है वो गिरफ्तार किए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पर आप